अच्छा, डॉक्टर साहब आज सवेरे सवेरे ही निकल पड़े हैं, चाय का इंतजार तक नहीं किया गया। कबाड़ी की जैसी दुकान छोड़ के चल, क्यों ना हो, एक मुफ्त की नौकरानी जो मिल गई है फिर क्या चिंता। और ऊपर से कहते हैं तुम मेरे सामने आते ही घबरा क्यों जाती हो। जया किसी से घबराती नहीं डॉक्टर साहब, मैं क्यों घबराऊंगी, कहेंगे मैं जानता हूँ। क्या जानते हैं, जानते क्या हैं? बताऊं? क्या बताएंगे, यही ना, जया मुझे तुमसे प्यार हो गया है। आपको कोई इतराज है? अब क्यों घबरा गए? जया रतन भैया, ओ डॉक्टर जाइए ना। अरे रतन, क्या बात है? अरे बात क्या होगी, चलो ना रस पी कर आए। रस तुम तो पिलाओगे नहीं, मैं ही पिला के लाऊं। हाँ बता, जाइएगा नहीं, न जाने क्या सब पिला देंगे, कह दीजिए आपको कुछ काम है। क्या हुआ, अरे चुपचाप खड़े क्यों हो, उठो ना। आज नहीं फिर किसी दिन चलेंगे, आज जरा मुझे कुछ काम है थोड़ा। बड़े आए काम का जी, यहाँ कौन सा मरीज बैठा है तुम्हारा, उतरो ना। नहीं रतन, आज बाकी एक बहुत जरूरी काम निपटाना है, फिर किसी दिन चलेंगे। वो तो बहाने वाले मैं नहीं सुनूंगा। अरे रतन सुनो, क्या करूँ, क्या चीज है, तुम्हारे पास आए। ओहो, अरे मरीज तो तुम्हारे घर में ही मौजूद है डॉक्टर। रतन ये तो सही है, ठीक है ठीक है, लेकिन ये तो बता तुम्हारी इस मरीज को कौन सा मर्ज है? अच्छा नहीं होगा रतन भैया, मैं बाबू से कह दूंगी। हाँ। अरे ये लड़की तो बार बार अपने बाबू का डर दिखाती है, जाना कह देना जाके। डॉक्टर तुम्हारे शहर में अंधे काने या अपाहिज लड़के बहुत से तो होंगे, एक आपका नाम पता तो बताओ, उसी के पल्ले मारते इसे गाँव से विदा कर दूँ। बड़े आए विदा करने वाले, तुम्हारे कहने से मेरी शादी किसी अंधे काने के साथ छोड़ी होगी। और नहीं तो क्या, तेरी शादी डॉक्टर जैसे लड़के से होगी? सुना डॉक्टर, जमीन पे रहकर चांद को छूना चाहती है। अरे तुम गंभीर क्यों हो गए? अरे भाई मैं गंवार आदमी हूँ, न जाने क्या कैसे कैसे क्या मुंह से निकल गया। ए जी, अरे जी, ए जी, ये देखो रोते रोते चली गई, क्या मुसीबत है? डॉक्टर मैं तो तुमसे कह रहा था, ये लो तुमने भी मुंह लटका लिया। नहीं तो, नहीं तो क्या। अच्छा डॉक्टर एक बात पूछूं, कहो ये प्रेम रोग का इलाज तुम पहली बार कर रहे हो या एक दो बार और भी कर चुके हो? नहीं नहीं डॉक्टर, मजाक नहीं डॉक्टर, मजाक नहीं। मैं कहता हूँ किसी की जिंदगी से मत खेलना, अगर प्यार करना है तो सच्चे दिल से प्यार करो, मगर हाँ एक बात याद रखना, ये तुम्हारा शहर नहीं है, गांव है गांव, मैं जो कुछ भी करो समझ बूझ के करना, समझे? अच्छा अब मैं चलता हूँ। कंपाउंडर बाबू, कंपाउंडर बाबू, ये दवा तैयार करके नहीं दे दीजिए, इसके लिए उनकी लड़की के लिए, इनकी लड़की को इस दवा की कोई जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने इसे होम्योपैथी की दवा दे दी। होम्योपैथी? जी हाँ होम्योपैथी, आप अच्छी तरह से जानते हैं, होम्योपैथी एलोपैथी की माँ। समझते हो हमारी होम्योपैथी में हंसते हो? हंसते नहीं तो क्या करूं कंपाउंडर बाबू, होम्योपैथी में मुझे विश्वास नहीं रहता। नहीं होता? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर हो गई छुट्टी? क्या मतलब ये कि हमारी कमाई नहीं बढ़ेगी, आज से बोलकर बंद, और ज्यादा बातचीत करो तो मारपीट हो जाएगी। तो आप मेरी कंपाउंडरी कैसे करेंगे? नहीं करूंगा साहब, ये लीजिए 10 रुपए की कंपाउंडरी की धमकी देते हो गई छुट्टी। आप तो बड़े मजेदार आदमी वाले होते। क्या कहा, मजेदार आदमी मालूम होता हूँ? हाँ मैं मजेदार आदमी, आज से मेरे घर आना, खाना खाना और चुपके से चले जाना, बातचीत नहीं करना।
मगर ये कैसे हो सकता है, आपके साथ काम करूं, आपके यहाँ खाना खाऊं और आपसे बात ना करूं? हाँ नहीं करोगे, वरना कहीं और खाने का बंदोबस्त कर। ठीक है, मैं कल से रतन के यहाँ खा लिया करूँ। रतन के यहाँ कैसे खा लिया करोगे? आज तक कोई दाते यहाँ नहीं आया जिसने मेरे घर में खाना न खाया हो। रतन के यहाँ खा लिया करूँगा कैसे? ये अजीब मुसीबत है, आप न तो मुझे यहाँ खाने देंगे और न किसी और के यहाँ खाना। नहीं खाने दूंगा, तो मेरे घर में खाना खाओ और मेरी होम्योपैथी को बदनामी करो। अच्छी बात है कंपाउंडर बाबू, मैं बदनामी नहीं करूंगा, आपकी होम्योपैथी बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। इससे सोच समझ के बात किया करो ना, वरना हो जाएगी छुट्टी। लाओ जया, तुम्हारे बाबू तो बड़े दिलचस्प आदमी वाले होते हैं, अपने आगे किसी को सुनते ही नहीं। मुझे क्या मालूम था कि होम्योपैथी की बुराई करने से कदर बिगड़ते हैं। अरे तुम कहाँ चली? ओहो समझ गया, कि बुराई की है इसी वजह से शायद तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती। हम भला आपसे क्या बात करेंगे, आप बड़े आदमी हैं, बड़े डॉक्टर हैं, आप तक हमारी पहुँच कहाँ? हम तो किसी अंधे काने लंगड़े लूले से ही बात करेंगे। अच्छा तो गया के रतन की बातें दोहराई जा रही हैं। तुम तो जानती हो जया के रतन किस कदर सनकी आदमी है, एकदम पागल, जो कुछ उसके मुंह में आता है बकता चला जाता है, उसकी बातों पर तुम ध्यान नहीं क्यों देती हो? रतन भैया ने ठीक ही तो कहा था। अच्छा और नहीं तो क्या? ठीक है, अगर मेरे यहाँ रहने से तुम लोगों को तकलीफ होती है तो मैं कहीं और चला जाऊंगा। उधर कंपाउंडर बाबू मुझसे बात नहीं करेंगे, इधर तुम नहीं बोलोगी तो क्या मैं दीवारों से बात करूंगा? मैंने कब कहा था नहीं बोलूंगी? अभी तो कहा तुमने। वो तो सुबह रतन भैया ने कहा था, इसीलिए। तो ये तुम्हारे मन की बात नहीं? तुमने कितनी पगली, अब मेरा यहाँ से जाना इतना आसान थोड़ी, तुम्हीं ने तो तमाम रास्ते रोक रखे। मेरी तरफ देखो, हंसो हंसो। प्यार कर
करते हैं जमाने का हमें डर कैसा, प्यार करते हैं जमाने का हमें डर कैसा। मेरे संग पिया घबराए मुरादी यारे, हाय कोई देख लेगा देख की है डोरी दुनिया की नहीं चोरी, कोई क्या देख लेगा की ये डोरी दुनिया की नहीं चोरी रे, कोई क्या देख लेगा कोई क्या देख लेगा। अच्छा मैं ही देख लेता हूँ। जय जगदम्बे। डॉक्टर का क्या पूछते पेशेंट, हर रोज झगड़ा करता, अभी कल ही मुझसे लड़ाई हुई बोलचाल बंद। कल तुम्हारे साथ बोलचाल बंद रहे रहा करे, उसका क्या बिगड़ता। क्यों हमारी लड़की के साथ तो मीठी मीठी बातें चलती है। अरे मैं अपनी आंखों से देख कर आया हूँ कि नदी किनारे दोनों हाथ में हाथ डाले गाना गाते फिरते हैं। गाना गाते? हाँ। अच्छा नहीं गाए, मना करते हैं। तुम्हारे मना करने से नहीं गाता हूँ, जवानी भला किसकी मानती है। मेरी मानो तो जल्द ही लड़की की शादी कर दो। कहते तो तुम ठीक, मगर ये डॉक्टर का बहुत थम्मू बैठे हुए जो नहीं मानता। फिर भी लड़का अच्छा है, मगर मैं तो बात नहीं करूं। प्रेजेंट हाँ, तुम किधर? सुनो डॉक्टर, मैं जगदम्बे जैसी माँ की इच्छा। बेटी तुम्हारी है गोकुल, तो तुम ही बात कर लो। मगर हाँ एक बात कह देता हूँ, बेटी की शादी अगर डॉक्टर से करोगे तो तुम्हारी बड़ी खुआरी होगी। इतना प्रपंच होगा कि गांव में रहना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। हो जाने दे, प्रपंच होगा हाँ। तो फिर रहने दो, कोई शादीवादी की जरूरत नहीं। मैं पूछता हूँ तुम इस डॉक्टर को यहाँ लाए क्यों? अच्छी खासी मेरी होम्योपैथी चल रही थी, तुमने लाके ग्रहण डाल दिया। निकाल दो भगा दो, हो जाए तुम निकाल दो भगा दो हाँ। कहने से ही तो काम नहीं चलेगा, ये पांच पंचों का मामला है, पंचायत की बदनामी हो जाएगी। मैं कौन होता हूँ, मैं तो तुम गाँव वालों का सेवक हूँ, जो तुम लोग कहोगे वही मैं करूँगा। ऐसे करो, मेरी जय की शादी तुम अपने शिव के साथ ही करो। हो जाए, खराब हो गया है क्या? शिव की शादी जया के साथ करोगे? कंपाउंडर राजी हो गया? राजी कैसे ना हो, बिरादरी से निकाल नहीं दूंगा। क्यों नहीं, सरपंच जो ठहरे। मगर दादा तुम्हारी नजर जया पर ही जाकर कैसे पड़ी? कंपाउंडर के पास काफी रुपया पैसा है शायद। बहुत बहुत, लोग कहते हैं कंपाउंडर ने बहुत सा धन जमीन के नीचे गाड़ रखा है। वही तो मैं कहूँ, ऐसे तो दादा किसी तरफ हाथ बढ़ाते नहीं है। अब समझी, दिन रात जय जगदम्बे रखते फिरो और मन में किसी न किसी के सर्वनाश की चिंता। चुप रह, सीधी तरह से बात करना नहीं आता। सीधी बात तुम सुनते कब हो? मैं कहती हूँ शिव का ब्याह अगर करना ही है तो उस जैसी लड़की से ही करो, क्यों जया जैसी लड़की का जीवन नष्ट करते हो। बस बस रहने दे, देखता हूँ तो ये शादी तोड़ देगी। बुआ क्या हुआ? पिताजी उठ के बुलाए। अब उन्हें भात छोड़े ही अच्छा लगेगा, उन्हें ये चिंता लगी है कि गोकुल की पूजी का भात लगे। ठीक कहती हो, बात बिल्कुल कच्चा है। धन्य हो। ए ए कर्मुए, कहती हूँ जरा अच्छी तरह दूर से चिकनाया कर, जया के साथ तेरी शादी होगी। किसके साथ? जया के साथ। जया, जया के साथ शादी होगी। मगर मेरी समझ में ये नहीं आता कि आखिर दयाशंकर बाबू ने हमें देख कैसे लिया। आपकी समझ में भला कैसे आएगा, मगर मैं पूछती हूँ कल आपको यहाँ आने के लिए किसने कहा था? अच्छा तो गया कि वो कसूर मेरा ही था। और गाना जो आपने पहले शुरू किया था? गाना शुरू किया था, जब शिव के साथ मेरी शादी हो जाएगी तो मजा आ जाएगा। हाँ मजा तो आ ही जाएगा, आखिर प्रेसिडेंट के बेटे की बहू। अब ये तो बताइए क्या करना चाहिए। अरे यही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि क्या करना चाहिए। सोच रहा हूँ। आप तो बस सोचते रहिएगा, आपसे कुछ नहीं होगा, जो करना है मैं ही करूँगा। जया सुनो तो,